आरोपी बेरहमी से वार करता हुआ चाकू से हमलों कर अंजू ने मौत रे घाट उतार दी। साथ ही अंजूरी 12 साल की जेठू की खुशी और 1 साल की बेटी काव्या पर भी हमलों करियो हो। इस घटना रा आरोपी अनिल बिश्नोई रे बिलाड़ा थाना क्षेत्र लांबा गांव में स्थित मकान पर कार्रवाई करता हुआ प्रशासन 11 जनवरी ने बुलडोजर चलायो। खबर गणेशा राम राम, आप देख रहा हो झलको जोधपुर और मैं नंदिता आपरे साथ। 23 दिसंबर री रात ने लांबा गांव में महेंद्र बिश्नोई रे घर में चोरी री नियत से आरोपी अनिल बिश्नोई और साहिल गुशाह बैठे सोरी विवाहिता अंजू आरोपी अनिल ने देख लियो। पहचान सामने आबारा डर से आरोपी बेरहमी से वार करता हुआ चाकू से हमलों कर अंजू ने मौत रे घाट उतार दियो। साथ ही अंजूरी 12 साल री जेठू की खुशी और 1 साल री बेटी काव्या पर भी हमलों करियो हो। इस घटना रा आरोपी अनिल बिश्नोई रे बिलाड़ा थाना क्षेत्र लांबा गांव में स्थित मकान पर कार्रवाई करता हुआ प्रशासन 11 जनवरी ने बुलडोजर चलायो। सरकारी जमीन पर आरोपी पिछला 15 साल से कब्जो कर रखे हो, जी वजह से रास्ता भी संकरा हो रखा है। तो ग्रामीण प्रशासन से अतिक्रमण हटाबारी मांग करी ही। अब महिला री हत्या करवा वाला दूसरा आरोपी साहिल रा भावी स्थित गांव रे मकान ने भी प्रशासन अतिक्रमण रे दायरा में मान्यो है। इसलिए तहसील कार्यालय की ओर से अतिक्रमण हटाबारे लिए नोटिस जारी कियो गयो है। बिरी पालना नहीं करवा पर प्रशासन की ओर से जाप्ता रे साथ अतिक्रमण हटायो जाए। आपने बता दियो कि महिला री हत्या के 4 दिन बाद गांव रा सरपंच और ग्रामीण उपखंड अधिकारी ने एक ज्ञापन सौंपियो हो, जिसमें आरोपी अनिल बिश्नोई द्वारा अतिक्रमण कर बनाए मकान ने ध्वस्त करबारी मांग करी गई। प्रशासन भी इयान रा जगन्य हत्याकांड पर सरपंच और ग्रामीण री मांग पर आवश्यक कार्रवाई करता हुआ अतिक्रमण हटाबारो फैसलो करियो। आपने बता दो कि महिला री हत्या के 4 दिन बाद गांव रा सरपंच और ग्रामीण उपखंड अधिकारी ने एक ज्ञापन सौंपियो, जिसमें आरोपी अनिल बिश्नोई द्वारा अतिक्रमण कर बनाया मकान ने ध्वस्त करबारी मांग करी गई। प्रशासन भी यान रा जगन्य हत्याकांड पर सरपंच और ग्रामीण री मांग पर आवश्यक कार्रवाई करता हुआ अतिक्रमण हटाबारो फैसलो करियो। प्रशासन री ई कार्रवाई और ई पूरा मामला पर आप लोग का कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, क्योंकि दर्शकों की राय माने लिए काफी मायने रखे है। साथ ही राजस्थान और जोधपुर री खबर आप री खुदरी भाषा राजस्थानी में देख पा रहे लिए झलको राजस्थान और झलको जोधपुर ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। खमा गणी सर।